वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में न्यू टॉपिक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस मेश एनालिसिस, इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस यूजिंग KVL यानी बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस बाय मेश एनालिसिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करा के बताएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड दी हो सकती है। तो हम आपको दो मेथड फिलहाल यहाँ पे बताएंगे, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज करना। तो यहां पे KVL अगर आपको अप्लाई करना है, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इजी प्रॉब्लम लिया है, आगे हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी लिया करेंगे। तो यहां पे आपको दो लूप दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड का है लूप वन, हम यहां लिख लेंगे ये है लूप वन, और राइट साइड का ये है लूप टू, जिसमें लूप यानी एक क्लोज पाथ होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है। और ये दोनों लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, दोनों लूप का करंट फाइंड आउट करेंगे और फिर ये दोनों करंट्स का यूज करके बीच में जो 6 ओम है उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप वन। तो देखो लूप वन में कितने एलिमेंट्स है, तो लूप वन में तीन एलिमेंट है, एक है वोल्टेज सोर्स बैटरी, दूसरा है 20 ओम का रेजिस्टेंस और तीसरा है 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम लूप वन में जब KVL अप्लाई करेंगे तो 3 टर्म्स वाला इक्वेशन बनने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में। तो देखो सबसे पहले लूप वन में हम करंट का डायरेक्शन ले लेंगे, तो लूप वन में करंट का डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ले लिए, दैट इज करंट I1 लूप वन का करंट, और लूप टू का करंट भी हमने क्लॉकवाइज ले लिए, ये हमने ले लिए करंट I2। ये दोनों लूप का करंट हमने क्लॉकवाइज लिया है। अब ये दोनों लूप का करंट क्लॉकवाइज लेना या एंटी क्लॉकवाइज लेना या एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लेना, ये पूरी चॉइस आपकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम आपको दूसरा सर्किट भी बना के बता देते हैं। देखो दूसरे सर्किट में हमने क्या किया है, सेकंड लूप का जो करंट है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। हम आपको उसके थ्रू भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करा के बताएंगे और ये दोनों मेथड से देखना आंसर सेम आएगा। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में फॉलो करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो ये हमने फिलहाल चलो लेफ्ट साइड वाला जो सर्किट है जिसमें हमने दोनों लूप में क्लॉकवाइज करंट लिया है, हमने उसमें हम सॉल्व करेंगे। दोनों अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे तो बीच में जो 6 ओम है उसमें से एक करंट ऊपर से जाएगा, एक करंट नीचे से जाएगा, जबकि दूसरा जो सर्किट हमने ड्रॉ किए हैं जिसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके वजह से बीच में जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उनमें करंट दोनों करंट ऊपर से नीचे एक्ट होंगे। देखो हमने यहां पिंक कलर से शो किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हम फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं और अप्लाई KVL इन लूप वन हमने यहां पे लिखा है। अब देखो लूप वन में कैसे KVL अप्लाई करना, बैटरी की तरफ देखो, बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स में करंट I1 निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। ठीक है ना, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम निगेटिव में लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर हम लगे तो शो भी कर लेंगे। देखो करंट I1 जो लूप वन में है ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है इसलिए वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव मिलो। अगर पॉजिटिव साइड से एंटर किया होता तो हमने वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 20 और 6 वो हम लिख लेंगे। 20 में से फ्लो होने वाला करंट I1, सो 20 × I1 प्लस 6 × 6 में से फ्लो होने वाला करंट I1 − I2 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान में रखो, ये जो बीच में 6 ओम है ना, इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमेशा या तो I1 − I2 होगा या तो I2 − I1 होगा, ये मेथड वन में। ठीक है, क्योंकि मेथड वन में हमने दोनों लूप का करंट क्लॉकवाइज लिया है, इसलिए एक करंट ऊपर से आ रहा है एक करंट नीचे से आ रहा है, इसलिए ये इसमें से या तो I1 − I2 होगा या तो I2 − I1 होगा। ये डिपेंड करता है आप कौन से लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लूप वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए I1 − I2 लिखे हैं। जब हम लूप टू के लिए सॉल्व करेंगे तो I2 − I1 लिखने वाले हैं। समझ में आया। चलो अब लूप वन में जो हमने इक्वेशन बनाए थे उसको हमने एक्सपांड करके उसके थ्रू एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लिए, 26 I1 − 6 I2 = 140, उसको हमने इक्वेशन नंबर वन दिए। अब हम लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप टू। तो देखो लूप टू में करंट I2 जो हमने क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है वो वोल्टेज सोर्स में कहां से एंटर कर रहा है, तो देखो लूप टू का करंट I2 वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो ये ऊपर से ऐसा एंटर कर रहा है, इट मींस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलो। जैसा हमने कहा था वोल्टेज सोर्स में करंट जो साइड से एंटर करता है वही साइन आपको वोल्टेज सोर्स का दे देना है, वो दे दिए हमने 90 प्लस में। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स प्लस में रहेंगे, 50 × 50 में से फ्लो होने वाला करंट I2, सो 50 I2, और उसके बाद 6 × 6 में से फ्लो होने वाला करंट अब होगा I2 − I1, क्योंकि आप लूप टू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जैसा हमने कहा था कि आप जो लूप के लिए सॉल्व करेंगे वो लूप के लिए आप
यहाँ पे हमने लिखा है आई टू माइनस आई वन। अब इसको एक्सपांड करो, इसको थोड़ा सा फिर आगे चल के कॉमन वगैरह यहाँ पे एडिशन करो सिमिलर टर्म्स को, और फाइनली हमें सेकंड लूप के सेकंड लूप में जो हमने केवीएल अप्लाई किए उसके थ्रू हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा, और उसको हम फिर इक्वेशन नंबर टू दे देंगे। तो हमें मिल चुका है इक्वेशन, क्या मिला है, माइनस सिक्स आई वन प्लस 56 आई टू इक्वल टू माइनस ऑफ 90। इसको हम इक्वेशन नंबर टू देंगे। अब इक्वेशन नंबर वन देखो, इक्वेशन नंबर वन में दो अननोन है आई वन आई टू, इक्वेशन नंबर टू में भी दो अननोन है आई वन आई टू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर टू देने का रहेगा, एक मिनट दे देते हैं, यस। और अब दोनों इक्वेशन में जो दो अननोन है आई वन आई टू, अब ये दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए मेथड तीन है, पहला या तो आप क्रैमर्स रूल का यूज करो, दूसरा या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो, तीसरा या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लो। अभी हम फिलहाल यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर आएगा आई वन इज 5.14 एम्पियर एंड आई टू आएगा माइनस में। देखो माइनस में आ रहा है तो माइनस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो। आई टू आया है माइनस 1.056 एम्पियर। तो ये हमने आई वन आई टू यानी दोनों लूप का करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। आई टू माइनस में आया इसका मतलब ये है हमने जो आई टू क्लॉकवाइज लिया है, इसका मतलब आई टू क्लॉकवाइज नहीं, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन को हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो, एज इट इज रख के आगे सॉल्व करो, देखना आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर हम लिख लेंगे देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज, अब देखो 6 के एक साइड में I1 है, दूसरे साइड में I2 है, I1 I2 में से I1 बड़ा है, है ना 5.14, तो I1 माइनस I2 कर लो, तो I1 का वैल्यू 5.14 माइनस I2 का वैल्यू माइनस ऑफ 1.056, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे करंट का करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम मिल जाएगा, जो कि आई थिंक ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 6.196 एम्पियर ऐसा आएगा, ठीक है। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और ये हमने फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करा के दिए हैं जिसमें हमने दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए हैं और हमने ये मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने केवीएल का इक्वेशन लिखते समय बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स में कहां से करंट एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक करके हमने सॉल्व किए थे। आप चाहे तो उसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव लेके बाकी सभी एलिमेंट निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को एक बार पूछ लेना कौन सी मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलो हम अब यही प्रॉब्लम दूसरे मेथड से सॉल्व करा के देते हैं। देखो राइट साइड में हम सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमने लूप वन में क्लॉकवाइज करंट लिया है और लूप टू में एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अप्लाई केवीएल इन लूप वन, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम हमने क्या लिखे I1 प्लस I2, बाकी पूरा इक्वेशन सेम है। आप चेक करो पहले मेथड का लूप वन का इक्वेशन और दूसरे मेथड का लूप टू का लूप वन का इक्वेशन चेक करो, दोनों इक्वेशन सेम है, बस एक जगह डिफरेंस है। हमने पहले मेथड में 6 में से फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस I2 किए थे, जबकि यहां पे अब क्या कर रहे हैं I1 प्लस I2, क्योंकि 6 में से लेफ्ट साइड में I1 क्लॉकवाइज है और राइट साइड में I2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों करंट ऊपर से 6 में एंटर करेंगे तो दोनों का एडिशन होके करंट 6 में से जाएगा, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो हमने केवीएल अप्लाई किए लूप वन में, तो हमें देखो इक्वेशन मिल गया 26 I1 प्लस 6 I2 इक्वल टू 140, हमने उसको इक्वेशन नंबर वन दे दिए, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही यही रूल अप्लाई करके हम अप्लाई केवीएल इन लूप टू करेंगे, तो लूप टू में हमने क्लॉकवाइज सॉरी लूप टू में हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दिया है, तो वो करंट I2 लूप टू में 90 वोल्ट में से निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो जो 90 वोल्ट है वो आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा, सो माइनस 90, ठीक है, और बाकी सब एलिमेंट्स प्लस में ही रहेंगे, प्लस 50 इंटू I2 प्लस 6 इंटू I1 प्लस I2, 6 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2 ही रहेगा क्योंकि दोनों करंट 6 में से एंटर होके जाएंगे, और बस ये दोनों इक्वेशन अब ये यहां पे इसको सॉल्व कर लो तो हमें एक और साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में दो दो अननोन है I1 I2, और अब ये दोनों को हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद आंसर देखना क्या आएगा, I1 तो वही आएगा 5.14 एम्पियर, लेकिन I2 में अब निगेटिव साइन नहीं रहेगा, I2 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में 1.056 एम्पियर आएगा। देखो आप प्रीवियस मेथड से सॉल्व करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, नो इशू, आप ये मेथड से सॉल्व करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, नो इशू, चॉइस आपकी है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, तो चलो अब हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर, कहां लिखे, देखो ऊपर में छोटा सा स्पेस बाकी है,
खुला दिख रहा है, वहां पे हम लिख लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम, दैट इज I6 इक्वल टू। अब देखो जो सेकंड जो मेथड हम आपको बता रहे हैं यहां पे, इसमें हमने क्या कहा, एक साइड में क्लॉकवाइज है, एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों करंट 6 में ऐड होके जाएंगे, इट मींस दोनों का अब एडिशन करना है, इसलिए I1 + I2। तो देखो I6 ओहम इक्वल टू I1 + I2, ठीक है, बस दोनों का एडिशन करो, 5.14 + 1.056, तो ये आएगा 6.196 एम्पियर। तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस मेथड यानी मेथड 1 में और मेथड 2 का, दोनों का आंसर चेक करो, फाइनल आंसर करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम दोनों में सेम है, 6.196 एम्पियर। तो दोनों मेथड से हमने आपको क्यू सॉल्व करा के दिए, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको ये ना लगे कि हमेशा क्लॉकवाइज लेके ही सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करो, आप चाहे तो दोनों क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करो, या आप चाहे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करो, या आप चाहे तो बैटरी के प्लस माइनस को देख के आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो फिर सॉल्व करो, सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही मेथड की प्रैक्टिस करो, आप मेथड जो है वो बार बार चेंज मत करना, कोई भी एक मेथड से सॉल्व करके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपका केवीएल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में जो ये केवीएल का फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे, दोनों में से कोई भी एक मेथड के थ्रू आप सॉल्व करो, फॉलो करो। आपके कॉलेज के लेक्चरर को एक बार पूछ लेना कि सर कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहिए, जो वो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वैसे उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है। So thanks for watching this video.